गुड मॉर्निंग गाइस, माय यूट्यूब चैनल वेलकम। जो भी आप देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, वेलकम हो। आज की मेरी डे रूटीन है। आज मैंने अपने लिए नया नाश्ता बनाया है। आज मैंने बनाया है ब्रेड और दूध और चीनी डालकर ये नया नाश्ता बनाया है आज मैंने। आपको डिटेल में वीडियो मिलेगी। इसकी मैं आपको डिटेल में वीडियो दिखाऊंगी, मैंने इसमें क्या क्या डाला और इसे कैसे बनाया। देखिए तो शॉर्ट वीडियो आ गई है। फिर मैंने इसमें मलाई डाली थोड़ी सी। ये इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी मैंने इन सब वीडियो को लेकर। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया। मैंने एक भिगोने में पहले ब्रेड डाले छोटे छोटे टुकड़े करके, फिर तीन ब्रेड डाले मैंने इसमें, फिर चीनी डाली 2 चम्मच और आधा कप दूध डाला मैंने इसमें। दूध मैंने इसमें कम ही डाला, मैं इसे ज़्यादा घोलना नहीं चाहती थी। मैंने इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मलाई डाली। अरे देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। और आज थी मैं घर पर ही। आज भी मैं धूप की वजह से रुकी थी कि आज घर में धूप आएगी तो मैं धूप सेकूँगी, धूप में बैठूँगी, लेकिन आज भी धूप नहीं आई। और देखिए कितने जोरों शोरों का बादल हो रहा है, काला बिल्कुल आसमान, बिल्कुल सूरज नज़र भी नहीं आया, सारे में सब बादल ही बादल था। आज मैंने सोचा फिर भी आज इतना बादल था, आज मैंने 4 सूट सिल दिए हाथ की मशीन में ही बैठे बैठे। और इधर मैं क्या देख रही थी, इधर ना रोज आते हैं, हर इधर तोते आते हैं रोज, मैं तोते देखने के लिए घर में रहती हूँ। और फिर मेरी सिलाई शुरू हुई तोते देखने के बाद। पहले 4 सूट सिले मैंने। और ये देखिए मैंने सिलाई की वीडियो बना दी। और जिसका ये सूट था ना, वो आंटी बहुत ही मोटी थी, मतलब वो एक मैक्सी लेके आई कि मेरा एक इस मैक्सी में से मेरा एक सूट बना, 2 सूट बना दे, एक मैक्सी थी उनके। उन्होंने कहा कि इसमें से 2 सूट बना दो। मैंने कहा आंटी 2 तो नहीं बनेंगे पर 1 बन जाएगा, 2 आप मतलब आप मोटी हो इसलिए आपके 2 नहीं बन पाएंगे। और फिर दोपहर में मैंने खाना खाया था, ये थे कुलचे और दाल, और ये खा रहे थे प्याज। वैसे इन कुलचों के साथ ना वो थे छोले, लेकिन मैंने छोले नहीं खाए। 3 दिन से मैं छोले खा रही हूँ, बहुत मन भर गया इसलिए मैंने छोले नहीं खाए। ये दाल बना रखी थी हमने और मैंने दाल ही खाई है। फिर वो खा रही थी, मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने सोचा मैं रोटी नहीं खाती क्योंकि ये जो कुलचे हैं ना ये थोड़े हार्ड हो रहे, तो मैंने सोचा कभी इसे खा के मेरे पेट में दर्द हो जाए। मैंने थोड़े से चावल लिए और उन चावलों में से भी मैंने 2 चम्मच ही खाए बस। और तब मेरे खाना खाने के बाद मेरी छोटे वाली बहन, ये छोटा सा ये पप्पी लेकर आ गई थी बाहर से। देखिए कितना क्यूट है, 2 ही दिन का है। ये ऐसे रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से और इसकी आवाज़ मैंने काट दी है, क्योंकि अगर मैं इसकी आवाज़ रखती तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाती। ये 4-5 पिल्ले दिए थे हमारे पास में ही, और मेरी बहन इसे लेकर आ गई। और फिर मैं शाम के टाइम गई दुकान पर, मैंने देखा कि सारे में बिखरा हुआ पड़ा है। मैंने सोचा पहले वो क्लीनर मंगवाया था मैंने, उससे पहले मैं अपनी मशीन ही साफ़ कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने मशीन साफ़ की और देखिए क्लीनर कितना अच्छा है। इसने मशीन बिना पानी के बिना सर्फ के इस क्लीनर ने इतनी मेरी मशीन इतनी वाइट कर दी, मुझे इतनी खुशी हुई। ये 150 रुपये का आया था, मैंने मोदी केयर से लिया था। इतना अच्छा क्लीनर है, मुझे ये इतना पसंद आया बहुत ज़्यादा। और इसको मशीन को साफ़ करते हुए मेरा बहुत मन लग रहा था, क्योंकि जब मैं इसे साफ़ कर रही थी और साफ़ होती जा रही थी, क्लीन होती जा रही थी बिल्कुल। इधर से देखा कितनी पीली हो रही है और गंदी भी है, इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ना ही गीले कपड़े की। बस मैंने इसको स्प्रे किया मशीन के ऊपर और फिर मैंने सूती कपड़े से साफ़ किया, इतना साफ़ हो गया, बिल्कुल जादुई प्रोडक्ट है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। इसका मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी, आप चाहे तो
इसे अपने घर में यूज़ करने के लिए मंगा सकते हैं ऑटो क्लीनर। मैं इसका लिंक भी सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से लिंक परचेज कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा ये। और ये देखिए मेरी मशीन साफ हो गई, चमक रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी इसे देख देख कर बहुत ज़्यादा, और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे इसका। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, बाय।